रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग का त्रियुगी नारायण मंदिर शादी के लिए एक नया डेस्टिनेशन पॉइंट बनता जा रहा है। यहाँ दूर दूर से अमीर परिवार के लोग शादी करने के लिए आते हैं और इस अलौकिक मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। विष्णु भगवान की मौजूदगी में भगवान ब्रह्मा ने यहाँ शादी कराई थी और इसलिए देश के कोने कोने से जोड़े यहाँ शादी करने आते हैं। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नाम का मतलब है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु का पांचों अवतार है बावन भगवान। भाद्रपद की एकादशी को इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने जो है माता आदित्य के गर्भ से जन्म लिया था। आपने सुना या देखा होगा हरिद्वार में कनखल जगह है, जो राजा दक्ष की पुत्री सती थी, तो राजा दक्ष ने वहाँ पर बहुत बड़ा गेठा रहा, सभी देवी देवताओं को बुलाया लेकिन भगवान शंकर और सती को नहीं बुलाया था। तो सती माता वहाँ पर बिना बुलाई चली जाती हैं। वो देखती है वहाँ पर सबका स्थान है लेकिन भगवान शंकर और सती का स्थान नहीं था। तो सती माता वहाँ पर बिना बुलाई चली जाती हैं। तो सती माता अपमानित हो जाती हैं और उनके यज्ञ कुंड में भस्म हो जाती हैं। फिर दोबारा जमैना की कोख से राजा हिमाचल की जो पुत्री थी वो पार्वती, तो इसी स्थान पर भगवान विष्णु को साक्षी करके माता पार्वती और शंकर जी का शादी हुआ था। मैं इस समय त्रियुगी नारायण मंदिर में हूँ और ये मंदिर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जब आप सोनप्रयाग में पहुँचते हैं तो सोनप्रयाग से बाईं तरफ एक रास्ता डाइवर्ट होता है, 10-11 किलोमीटर आगे आकर के ये मंदिर स्थित है। ये एक बड़ी ग्राम पंचायत है जहाँ तकरीबन 600 से 700 परिवार रहते हैं और ये मंदिर इसलिए भी बहुत और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और वही एक धार्मिक बात है जो लोगों को आकर्षित करती है। और ये मंदिर में आज भी देखिए, आज भी शादियों का खूब आयोजन यहाँ पर हो रहा है और लोग ये समझते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी यहाँ पर इस मंदिर परिसर में हुई थी और इस मंदिर की स्थापना भी इसीलिए हुई थी, तो उन्हीं की याद में विवाह का जो आयोजन था उसी की उसमें स्मरण रहे ताकि लोगों को, तो इसलिए किया गया था। तो जितने भी देश के धनाढ़ लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं या जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो अपने बच्चों की शादी यहाँ पर करना चाहते हैं और आज भी यहाँ पर शादियों की चहल पहल है। सुबह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ चहल पहल है, बहुत सारी शादियाँ संपन्न हो चुकी हैं, अभी भी शादियों के आयोजन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लोग ये समझते हैं कि जिस पवित्र जगह है भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी हुई हो, अगर हमारे बच्चों की भी शादी वहीं होती है तो ये एक उनके दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए, उनके जीवन को सुखी रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत यहाँ से हो सकती है। इसीलिए ये जो पवित्र मंदिर है ये एक शादी के लिए पूरे देश भर के लोगों के लिए, खासतौर पर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए या हिंदुओं के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट वेडिंग के लिए बनकर उभरा है। बहुत सारे बड़े लोगों ने यहाँ आकर, जो बहुत अमीर लोग हैं अंबानी और दूसरे लोग, उन्होंने भी शादियाँ यहाँ पर अपने परिवार के बच्चों की है। तो ये एक बहुत पवित्र स्थान है और यहाँ जिस तरह से लोग आ रहे हैं ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए त्रियुगी नारायण मंदिर से अजीत सिंह राठी।